चलें जी, लेट्स स्टार्ट. सारा कुछ हो गया. प्लीज पे अटेंशन, स्टॉप टॉकिंग. 33:44. मोहम्मद आतिफ नदीम, मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद हारिस, हसीब अकबर, मलिक एहसन, नईम ताहिर, उमर इकराम, मोहम्मद साद, तला खुर्शीद, मोहम्मद उमर शेर, मोहम्मद उस्मान शाहिद, जैन अकरम, मुजफ्फर वलीद, शहरोज अशरफ, शिराज तारिक, हमजा मसूद. प्रेजेंट सर. अच्छा, उमेर मुनीर. सर हमजा मसूद प्रेजेंट. मोहम्मद जहांगीर अलवी, मोहम्मद वकास अनवर, रोहान नदीम, मुनीब अहमद और राणा अरसल बिन जीशान. ये हो गया, इसको हम साइन आउट कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं. ये भी हुई है. अच्छा हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. जी सर. और ये स्क्रीन भी नजर आ रही है, डी फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ एनालिसिस. यस सर. ओके, अच्छा जी. यार मुझे असल में इधर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटर चलाना होता है. आपको नजर नहीं आ रहा तो आप इस तरफ आ जाएं, ठीक है? अच्छा चलें. पिछले लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो. नहीं यार, ये वाला पंखा बंद कर दो, इसका शोर बहुत ज्यादा है, फिर वो उनको बिल्कुल. हाँ ठीक. ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एनालिसिस किया था क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स का, और इसमें जो है हमने एक एग्जांपल की थी. आज हम एक और एग्जांपल करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से करते हैं. तो इसके अंदर जो है ये आपका सर्किट है. दिस इज़ अ डी, ये हमने लास्ट टाइम कर तो नहीं लिया था ना, ये कर लिया था. अच्छा, डी का सारा कर लिया था. हाँ ये तो हमने किया था, ये कर लिया था, ये नहीं किया था. अच्छा, सो आज हम फिर जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ करते हैं. सो ये एक सर्किट है, इसमें दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं और यहाँ पे कुछ गेट्स भी लगे हुए हैं. इसकी इस सर्किट की इनपुट एक्स है और इसकी आउटपुट्स ऐसा नहीं है, इसकी सिर्फ स्टेट्स हैं ए और बी. इट डजंट हैव एनी आउटपुट और बाकी ये लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो हम लोग इस सर्किट का, अगर हमें कहा जाए कि जी आपने पूरा एनालिसिस करना है, तो द वे वी आर गोइंग टू डू इट इज़ के सबसे पहले तो हम ये जे और के, ये जो इनपुट्स हैं, इनको देखेंगे कि ये कहाँ से आ रही हैं इन फ्लिप फ्लॉप्स में.
सो वी कैन से द जे ए, ये ए फ्लिप फ्लॉप का जे ए, जे ए अगर आप देखें तो ये आ रहा है बी से, ठीक है. सो वी कैन राइट जे ए इज इक्वल टू बी. और के ए, के ए एक एंड गेट से आ रहा है, और एंड गेट की दो इनपुट्स अगर हम देखें तो एक आ रही है बी से और दूसरी आ रही है एक्स से. सो वी कैन राइट के इज इक्वल टू बी एक्स बार, ठीक है, क्लियर है सबको. इसी तरह से फॉर द बी फ्लिप फ्लॉप, जे जो है वो कहाँ से आ रहा है, जे आ रहा है यहाँ एक्स से. सो वी कैन राइट जे बी इज इक्वल टू एक्स बार. और के बी जो है ये वाला, ये आ रहा है एक एक्सक्लूसिव और गेट से जिसकी एक इनपुट एक्स है और दूसरी इनपुट ए है, तो के बी इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और एक्स. तो अब हमने इसकी इनपुट्स जो हैं उनको डिफाइन कर दिया, ठीक है. उसके बाद हम जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसकी बेसिक इक्वेशन लिखेंगे, जिस तरह से डी की तो थी डेटा के. ये इक्वेशन कहाँ से आई है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है. ये इनिशियली जब हमने डी लैच डी फ्लिप फ्लॉप लिया था और उसको जेके में कन्वर्ट किया था तो ये सर्किट बनाया था. तो ये जेके का सर्किट है और ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है. तो इस इक्वेशन में मैं अब इसमें है जे ए क्यू बार ए प्लस के बार ए क्यू ए. सो व्हाट आई विल डू इज कि इसके अंदर मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं जे और क्यू की, वो मैं वैल्यूज़ ऊपर जो इक्वेशन से मैंने बनाई थी वो मैं डाल दूंगा, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ जे ए आई विल पुट बी, ठीक है, और क्यू बार ए की जगह, क्यू बार ए की जगह आई विल पुट ए बार. क्यू बार ए की जगह मैंने ए क्यों डाला, क्योंकि क्यू बार इज ऑपोजिट ऑफ क्यू, ठीक है, एंड क्यू इज इक्वल टू ए. सो आई कैन राइट फॉर इंस्टेड ऑफ क्यू बार ए आई कैन राइट ए बार. इसी तरह से के बार ए क्या है, के बार ये तो खैर के बार यहाँ पे हमने के ए लिखा हुआ है, बी एक्स बार है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे बी एक्स बार. और क्यू ए क्या है हमारा, क्यू ए हमारा ए है, तो वो उसकी जगह ए डाल देंगे, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी. सो दिस इज फॉर ए टी प्लस वन. इसी तरह से बी टी प्लस वन जो है वो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसकी भी बेसिक क्योंकि जे के है यही इक्वेशन होगी. और फिर इसके अंदर भी हम वैल्यूज डाल देंगे, जे बी की वैल्यू एक्स बार है, क्यू बार बी जो है वो बी बार है, और इसी तरह से के बार बी ए एक्सक्लूसिव और विद एक्स है, और क्यू बी जो है वो बी है. तो इस दोनों को जब हम यहाँ पे डालेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन. इसकी आउटपुट कोई नहीं है, सो हमें आउटपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट की कोई इक्वेशन नहीं होगी. नाउ वी विल मेक आवर स्टेट ट्रांजिशन टेबल, स्टेट टेबल. इसमें हमारी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, 00, 01, 10 और 11, और हमारा इनपुट है एक्स ज़ीरो और फिर एक्स वन, फिर एक्स ज़ीरो, एक्स वन, एक्स ज़ीरो, एक्स वन एंड सो ऑन. अब नेक्स्ट स्टेट लिखने के लिए, यहाँ पे लिखने के लिए सबसे पहले मुझे ना जे और के इनपुट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये मुझे पता होंगे तो फिर मैं बता सकता हूँ कि अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट ये है और जे के पे ये डेटा है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ठीक है, ये क्लियर है सबको. सो इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लें, ये तीन टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है, कोई एसोसिएटिव लॉ लगेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, कुछ होगा, तो ये आपकी तीन टर्म्स जो हैं वो बन जाएंगी. अगर आप नहीं भी इसको सिंप्लीफाई करते, आप सिर्फ क्यू बी की वैल्यू डाल देते हैं तो इवन दैट इज़ फाइन, वो भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है. आप इसकी अगर दो टर्म्स में रहता है तो वो भी दैट इज़ फाइन, नो इशूज़, क्योंकि हमने सिर्फ ये करना है कि हमने अब इन इक्वेशंस के अंदर इन वैल्यूज़ को डालना है.
तो वो आप चाहे यहाँ पे डाल दें या सिंपलीफाई करके डालें, आंसर आपका हमेशा एक ही आएगा। इसको मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, सो बेस्ड ऑन दीज टू इक्वेशंस कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जे ए एंड के ए इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ए बी एंड एक्स इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ए? हाँ, तो नेक्स्ट स्टेट है ना? नहीं, जे ए क्या होगा? 0। के ए? जीरो। जे बी? 1। के बी? जीरो। एक्सक्लूसिव और है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अगर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स में जे जे के मेरा फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं इनपुट 0 0 रखता हूँ तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? किसी को याद है? जे के की अगर जे के को मैं 0 0 रखूँ तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट? अभी आपने लैब में भी किया होगा ये तो। प्रीवियस सर प्रीवियस तो नहीं रखता, प्रीवियस स्टेट। स्टेट मेंटेन करता है। गुड। सो जे के को जब मैं 0 0 रखता हूँ ना तो वो प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करता है। सो दैट मींस कि नेक्स्ट स्टेट ए के केस में तो 0। अच्छा, जे के को जब मैं 1 0 करता हूँ तो फिर उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? हाँ? 1 होती है, सेट सेट हो जाता है वो, तो बी विल बी 1। ओके, सो वी कैन वेरीफाई। सो ये हो गया 0 1 नेक्स्ट स्टेट, 0 0 और 1 0। इसी तरह से फॉर एक्स इक्वल टू 1 मैं जे के की इनपुट्स लिखूंगा तो क्या बनेंगी जे के की इनपुट्स? यहाँ पे 0, के के ए है 0, जे बी 1, के बी ये 1। ऑलराइट, सो अगेन फॉर ए जे ए इज 0 0, सो वो अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करेगा, दैट मींस ये 0 ही रहेगा। फॉर बी इट इज 0 1, 0 1 मींस रीसेट, सो ये आउटपुट इसकी 0 हो जाएगी। ठीक, ये इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपको वो टेबल ही याद नहीं है जो जेके फ्लिप फ्लॉप का होता है। अब जेके के फ्लिप फ्लॉप का जो टेबल है वो बहुत पहले हमने पढ़ा था। मैं ढूंढता हूँ कहाँ है। ये टेबल देखें, इसमें जे के की प्रेजेंट इनपुट और क्यू ऑफ टी उसकी आउटपुट है, और क्यू ऑफ टी क्या होती है इसको जरा गौर से देखें। हाँ यार, क्यू टी प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट है।
ठीक है जी, आप सब लोगों को याद रहेगा। तो ये है हमारा टेबल। अच्छा, अब आप सारे लोग ना ये जो रिमेनिंग टेबल है ज़रा इसको फिल करें ताकि कुछ क्लियर हो। इसको ज़रा जल्दी जल्दी फिल करें। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो भी इस टेबल को फिल करें।
हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने? चले एक मिनट और है, फिर हम आगे चले। नहीं, ए का सिर्फ ए के साथ, बी का बी के साथ। हाँ, ए का बी से कोई ताल्लुक नहीं, बी का ए से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, के उस वक्त एक्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। हाँ, ये वाला देखें, यहाँ पे एक्स वन है, ये जे ए की बात कर रहे हैं आप। जो ए बी की नेक्स्ट स्टेट निकाल रहे हैं, हाँ, वो कैसे निकाल रहे हैं? हम पहले प्रेजेंट स्टेट देख रहे हैं ना, कि ये प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो जीरो है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? जीरो ही होगी, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट जीरो है। प्रेजेंट स्टेट को देखते हैं ना, प्रेजेंट स्टेट को देखते हैं, फिर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट को देखते हैं, और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। चलिए जी, अब हम लोग रिजल्ट्स देख लेते हैं, आप लोग फिर कंपेयर कर सकते हैं अगर किसी ने गलती की है तो। सो एनीवेज, ये हमारा कंप्लीट टेबल बन गया। अब हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, इनपुट है, ठीक है। नाउ वी कैन मेक अ स्टेट डायग्राम। आखिरी चीज़ जो हमने एनालिसिस में करनी होती है वो स्टेट डायग्राम बनाना होता है। तो जब हमारे पास ये सब कुछ डेटा मौजूद है तो हमारे लिए स्टेट डायग्राम बनाना बड़ा आसान है। वी स्टार्ट फ्रॉम 0 0, और 0 0 के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्स ज़ीरो है या एक्स वन है, और उसके लिहाज से आपकी नेक्स्ट स्टेट 0 1 हो सकती है या 0 0 हो सकती है। अगर एक्स ज़ीरो हो तो ये 0 1 पे चला जाता है, और अगर एक्स वन हो तो ये 0 0 पे ही रहता है। तो ये पहले वो इंडिकेट कर रहा है कि वो 0 0 पे था, एक्स वन था, तो इट स्टेड एट 0 0, और अगर एक्स ज़ीरो हो तो वो 0 1 पे चला जाता है, इट गोज़ टू दिस स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम 0 1 पे देखेंगे, 0 1 पे अगर एक्स ज़ीरो हो तो 1 1 पे चला जाता है, और अगर एक्स वन हो तो 1 0 पे चला जाता है। सो 0 पे 1 1 पे चला गया, और 1 के ऊपर 1 0 के ऊपर चला गया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो रहा है सबको। उसके बाद 1 0 पे, 1 1 पे, और 0 0 पे। तो ये हमारा स्टेट डायग्राम जो है ये पूरा अब हमने कंप्लीट कर लिया, और हमारा सर्किट कंप्लीटली डिफाइन हो गया। चार स्टेट्स हैं, 0 0 0 1, 1 0 1 1, और एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में किस तरह जाता है वो उसके इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी एग्जांपल हम लोग करेंगे सर्किट सॉल्व करने की, वो है टी फ्लिप फ्लॉप के साथ, ठीक है। सो हमने तीन एग्जांपल्स की हैं, एक हमारी डी के साथ थी, अब हमने जेके के साथ कर लिया, और टी के साथ कर लिया। टी फंक्शनली क्या फ्लिप फ्लॉप होता है, यानी टी किस तरह बिहेव करता है, किसी को याद है? जी, टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, तो ये कब टॉगल करता है और कब टॉगल नहीं करता? जी, इसका इसका सिंपल असूल ये है कि टी के ऊपर अगर आप 1 दे देंगे तो जो भी उसकी प्रीवियस स्टेट होगी
वो उसके ऑपोजिट नेक्स्ट स्टेट होगी, यानी अगर उस पर पहले जीरो था और टी को आप वन करेंगे तो आउटपुट पे वन हो जाएगा, और अगर पहले वन था और टी को वन करेंगे तो आउटपुट के ऊपर जीरो हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं टी को जीरो रखूंगा तो वो प्रीवियस स्टेट को ही मेंटेन करके रखता है, चेंज नहीं होता। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। अब हमारे पास एक सर्किट आ गया है, सर्किट के अंदर एक इनपुट है विच इज एक्स, वी हैव वन इनपुट वाई एंड वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स। सो इसकी भी चार स्टेट्स होंगी, ठीक है, इसकी चार स्टेट्स होंगी, एक इनपुट है एक आउटपुट है। सो इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेबल जो है, सबसे पहले तो वही बात है कि हम डिफाइन करेंगे कि ये टी पे क्या फंक्शन है इन टी के ऊपर। तो टी ए इज इक्वल टू बी एक्स, बी एक्स किस तरह से आया, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट है और एक इनपुट इसकी एक्स से है, दूसरी इनपुट इसकी बी से है, और जो टी बी है वो डायरेक्टली एक्स से आ रहा है, तो टी बी को मैं लिख सकता हूँ एक्स, ठीक है। अब मैंने टी फ्लिप फ्लॉप की बेसिक इक्वेशन मुझे चाहिए, जिस तरह से जे के की एक इक्वेशन थी, इस तरह टी की भी है, ठीक है। तो टी की इक्वेशन जो है, ये वाई के लिए भी लिख दी हमने, तो टी की जो इक्वेशन है वो है टी ए क्यू बार ए प्लस टी बार ए क्यू ए, ये एक तरह की एक्सक्लूसिव और टाइप इक्वेशन होती है। तो ये इसकी टी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन है। तो टी फ्लिप फ्लॉप की इस इक्वेशन में अगेन हम टी ए और क्यू ए टी की वैल्यूज डालेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। इसी तरह से बी टी प्लस वन के लिए ये इक्वेशन है, और इसमें जब हम वैल्यूज डालेंगे तो वी फाइंड आउट इट इज इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव ऑर्ड विद बी। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, और अब हम वही करेंगे कि हम हमारी प्रेजेंट स्टेट्स पे हम चले जाएंगे, प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 1 1 0 1 1, और x जो है वो वेरी करेगा 0 1 0 1 0 1 0 1। अगेन नेक्स्ट स्टेट बनाने से पहले हमें अगर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पता हों टी ए और टी बी, तो इनको देख के हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, टॉगल करेगा या सेम वैल्यू रखेगा। सो सबसे पहले वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी ए। सो टी ए इज इक्वल टू बी एक्स, सो दिस शुड बी 0। What about TB? TB. What about Y? Okay. So now next state मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि TA 0 है तो वो previous state को maintain करेगा, तो previous state 0 है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ये भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये सारे zeros आ गए। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से आप 001 के लिए इसको फिल आउट करेंगे, यहाँ पे आप देखें कि टी बी वन था तो साथ ही बी वन हो गया, क्योंकि बी की प्रीवियस स्टेट 0 थी, उसने टॉगल किया वन के ऊपर, वो टॉगल करता है वन पे, उसने टॉगल किया तो वो नेक्स्ट स्टेट 0 से 1 हो गई। सिमिलरली वी विल फिल आउट दिस थिंग, y की वैल्यू भी हम बड़े आराम से फिल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर स्टेट टेबल। अब बस इसका आखिरी हमारे पास क्या काम है कि हमने स्टेट डायग्राम बनानी है। चार स्टेट्स हैं, अगेन इसकी भी 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड वी हैव टू सी कि वो ट्रांजिशंस किस तरह से करता है। सो इसके अंदर ये थोड़ा सा फर्क है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो काले रंग में आपको जीरो नजर आ रहा है वो आपकी इनपुट है, और स्लैश के बाद जो जीरो नजर आ रहा है वो आपकी आउटपुट है, वो दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई। सो इट इज एक्चुअली एक्स स्लैश वाई, ओके, क्योंकि इसमें आउटपुट भी है। पिछले सर्किट में चूंकि आउटपुट नहीं थी तो हम आउटपुट के लिए कुछ नहीं लिख रहे थे, लेकिन चूंकि ये है तो इसलिए वी राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज आर डायग्राम, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। सो एवरीवन कैन डू एनालिसिस, कोई इसमें मसला तो नहीं है। फिर हम अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वो पढ़ के फिर वील टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन वील कंटिन्यू।
अच्छा हमारे पास ना दो तरह के सीक्वेंशियल सर्किट्स हो सकते हैं, दो तरह के सीक्वेंशियल सर्किट्स हो सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, एक है जिसको हम लोग कहते हैं मीली मॉडल और दूसरे को कहते हैं मूर मॉडल, ठीक है। तो ये दो मॉडल्स हैं। कुछ किताबों में इसको लिखा होगा मीली मशीन या मूर मशीन, और कुछ जगह मॉडल लिखा होगा। सो इट्स द सेम थिंग, चाहे मशीन का वर्ड है या मॉडल का वर्ड है, इट इज़ द सेम थिंग। दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है दोनों मॉडल्स के अंदर? तो जो मीली मशीन है हमारी या मीली मॉडल है, उसमें उसने लिखा है ये क्या हो गया, अच्छा, आउटपुट्स आर फंक्शन ऑफ बोथ द प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। यानी कि ये एक ऐसा सिक्वेंशल सर्किट है जिसमें जो इसकी आउटपुट है वो आपके फ्लिप फ्लॉप से भी आ रही है, यानी कोई लॉजिक है उसमें इनपुट फ्लिप फ्लॉप से भी जा रही है, और उसमें इनपुट डायरेक्टली जो यूजर इनपुट दे रहा है वहाँ से भी आ रही है, ठीक है। सो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ यूजर इनपुट एंड द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इसको हम लोग कहते हैं मीली मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है कि द आउटपुट मे चेंज इफ द इनपुट चेंज ड्यूरिंग द क्लॉक पल्स पीरियड। इसमें आपकी आउटपुट चेंज हो सकती है क्लॉक के आए बगैर ही, यानी क्लॉक अभी चेंज नहीं हुई और आउटपुट चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि आउटपुट इनपुट पे भी डिपेंड कर रही है, तो जैसे यूजर इनपुट चेंज करेगा आउटपुट चेंज हो सकती है, ठीक है। ये होता है हमारा मीली मॉडल। अच्छा, दूसरा हमारा है मूर मॉडल। मूर मॉडल में क्या है कि द आउटपुट्स आर फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ओनली। दैट मींस के आउटपुट जो है वो आप अगर इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट नहीं चेंज होगी, आउटपुट अगली जब क्लॉक पल्स आएगी राइजिंग एज या फॉलिंग एज उस वक्त चेंज होगी, वो फॉरन नहीं चेंज होगी, क्योंकि आउटपुट जो है वो डायरेक्टली इनपुट से कहीं से भी नहीं कनेक्टेड। ओके, इसके दोनों के हम देख लेते हैं, यानी ये डायग्राम से आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा। वो ये है कि ये हमारी मिली मशीन है। मिली मशीन में आप देखें ये जो हमारा आउटपुट है ना, आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक, इसको दो इनपुट्स आ रही हैं। एक इसको यहाँ से आ रही है जो कि स्टेट रजिस्टर है। स्टेट रजिस्टर से मुराद क्या है? आपका फ्लिप फ्लॉप है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। और अगर आप इसको देखें, इसकी जो दूसरी इनपुट आ रही है वो बेसिकली मेन इनपुट से आ रही है, और ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। सो दैट मींस कि जैसे ही मैं इनपुट को चेंज करूंगा, इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक में चेंज आएगा और आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑल्दो स्टेट रजिस्टर चेंज नहीं होगा उस वक्त, ये इनपुट नहीं चेंज होगी, लेकिन आउटपुट चेंज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग मूर मशीन को देखें तो मूर मशीन में आप देखें आपकी जो आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक है उसको इनपुट सिर्फ आ रही है स्टेट रजिस्टर से, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से नहीं आ रही। दैट मींस कि अगर मैं इसको चेंज करता भी हूँ तो ये चीज़ चेंज होगी, लेकिन स्टेट रजिस्टर की आउटपुट चेंज नहीं होगी जब तक कि क्लॉक नहीं आएगी। सो जब ये चेंज नहीं होगी तो आपकी ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक चेंज नहीं होगी, और ये नहीं चेंज होगी तो आपकी आउटपुट नहीं चेंज होगी। तो ये मीली मशीन है और मूर मशीन है। हम दोनों तरह के सर्किट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे, मीली के भी और मूर के भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसी सर्किट को देखें तो डू यू थिंक दिस वाज अ मीली मशीन और अ मूर मशीन? मीली मॉडल था या मूर था? मिली था है? नहीं, ये मूर था। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये मिली है या मूर है? मूर है। ये मूर है, ये मूर मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसकी आउटपुट आप देखें इज अ फंक्शन ऑफ जस्ट ए एंड बी विच आर आउटपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इसको इनपुट डायरेक्टली कहीं से नहीं फीड हो रही, तो इसलिए ये एक मूर मशीन है। अच्छा, अगर मैं इसमें, तो खैर आउटपुट है ही, ये तो मूर ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस वन?
ये भी मोरल मशीन है, इसमें भी ए जो है वो उस पर नहीं डिपेंड कर रहा। और कोई देखते हैं, और तो मेरे पास यही सर्किट है। हाँ, इसके अंदर देखिए इसकी आउटपुट जो है वो डायरेक्टली इनपुट से भी आ रही है, और मैं अगर इनपुट को चेंज करूंगा तो इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी उसी वक्त। सो दैट मीन्स के ये जो है ये मीली मशीन है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आप लोग जो एंड में बैठे हैं यार, आपको भी समझ आ रही है? पक्की बात है? तो चलें, ये तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ब्रेक लेनी है, 10 मिनट ब्रेक ले लें, फिर स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। सो लेट्स हैव 10 मिनट ब्रेक एंड देन वील कंटिन्यू। मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, बाकी लॉग इन ये रहे तो कोई स्टूडेंट इसको छेड़े ना आके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो टेक 10 मिनट ब्रेक।